हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेशन ऑफिसर और सब ऑफिसर के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ही किसी के बारे में बताना मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि एक के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को उसके बारे में पूर्ण से जानकारी हो जाएगी, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलो मैं आज सब ऑफिसर के बारे में बताऊंगा कि सब ऑफिसर का काम क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं उसको निभाने का। ठीक, चलो तो यदि आप लोग मेरे वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सब ऑफिसर होता क्या है। ठीक, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सब ऑफिसर। ठीक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहिए सब ऑफिसर होता क्या है। ठीक, सब ऑफिसर अपना फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है। क्या जी? फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है। जैसे अपना ये फायर स्टेशन हो गया, मैं ऐसे ही आप लोग कभी बताता हूँ फायर स्टेशन। ठीक, जैसे अपना फायर स्टेशन हो गया, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे अपना फायर स्टेशन हो गया। ठीक, तो फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है सब ऑफिसर। फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है। ठीक, यदि अब इसका तो काम मालूम हो गया कि फायर स्टेशन का इंचार्ज सब ऑफिसर होता है। ठीक, कंप्लीट। और इसका दूसरा एक काम है, दूसरा इसका काम मैं बताता हूँ इसको कि चलो मान लो कि कहीं आग लग गई है किसी बिल्डिंग में या किसी आवासीय क्षेत्र में या किसी गेहूं में, मतलब कि जंगल गांव की आग से गेहूं की आग जैसे बोले, तो मान लो कि यहीं पे बनाता हूँ। चलो मान लो ये अपनी एक बिल्डिंग आ गई। ठीक, ये अपनी बिल्डिंग हो गई, मान लो इधर आग लग गई, इधर 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 और इसके साइड बाय साइड, इधर मान लो, इधर इधर, मतलब इसके चारों तरफ आवासीय क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं? इसके चारों तरफ भी एक दो तीन चार इस बीच वाली बिल्डिंग में आग लग गई है। ठीक, बहुत बड़ी आग है। ठीक, और एक दो तीन चार ये बिल्डिंग इसके बाजू बाजू में है। ठीक, कुछ ही दूरी पे है या मान लो कि नज़दीक ही है, नज़दीक ही है। ठीक, तो फायर सब ऑफिसर का ये काम रहेगा कि हम लोग को यहाँ से कॉल मिला। ठीक, किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया और बोला कि यहाँ पे आग लग गई है सर, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, इसके आजू बाजू में भी ऐसा ऐसा है, तो यहाँ जब फायर स्टेशन पे कॉल आएगा तो कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है। आप लोग को तो याद ही रहना चाहिए कि कंट्रोल रूम और वॉशरूम होता है क्या। यदि बहुत लॉन्ग एरिया में ये कि यदि फायर स्टेशन है तो वही वॉशरूम और कंट्रोल रूम दोनों का काम करेंगे। यदि बाजू में यदि 5-7 किलोमीटर के रेंज में एक एक फायर स्टेशन है तो वहाँ पे फायर स्टेशन के चार फायर स्टेशनों को मिलाकर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जैसे कि वहाँ से सब सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और कैसे क्या घटना हुई इसके बारे में लिख करके फायर स्टेशन को दिया जाता है। ठीक, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर मान लो कि आग लग गई है बीच वाली बिल्डिंग में, 5वें माले में लग गई है, 5वें 6वें 7वें मान लो आग लगी है, तो ये व्यक्ति यहाँ से कॉल किया। ठीक, तो आया अपने फायर स्टेशन कॉल आया, मान लो कि 5-7 किलो के रेंज में, किलोमीटर के रेंज में यही एक फायर स्टेशन है। ठीक, तो यहाँ से जब फ़ोन आएगा तो यहाँ पे आएगा सब ऑफिसर के पास डायरेक्ट। पहले सब ऑफिसर के पास डायरेक्ट फ़ोन जाएगा, यहाँ फायर स्टेशन पे सब ऑफिसर के पास डायरेक्ट फ़ोन जाएगा। ठीक, सब ऑफिसर के पास, सब ऑफिसर के पास जाएगा तो सब ऑफिसर क्या करेगा, फ़ोन को रिसीव करके सब ऑफिसर, मान लो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यदि 5-7 किलोमीटर की रेंज में ये कि यदि फायर स्टेशन है तो वही वॉचरूम और कंट्रोल रूम का काम करेगी, तो सब कंट्रोल रूम में कहने का मतलब इसी फायर स्टेशन पे आएगा ना। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिसीव किया जाएगा और मैसेज को बराबर एक लॉग बुक आती है, लॉग बुक उसमें लिख लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले फायर ऑफिसर, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसका रहेगा, फायर ऑफिसर जाएगा, सब ऑफिसर, सब ऑफिसर जाएगा पहला, दूसरा 6 फायरमैन जाएंगे, 1 DCO जाएगा। ठीक, एक दूसरा, तीसरा, ये चौथा
अपना बोल दे तो लीडिंग फायर में जमा डर जाएगा। इन लोगों का सबका अलग अलग काम है, जैसे कि मैंने डीसीओ और सब डीसीओ जमादार और फायरमैन के बारे में बताया आप लोगों को अगले वीडियो 2-3 वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे ही व्यक्ति ये फ़ोन करेगा तो आएगा अपने फायर स्टेशन पे। तो फायर स्टेशन पे जैसे ही सूचना हमें कंट्रोल रूम से प्राप्त होगी, ऐसे सब ऑफिसर अपने 6 फायरमैन, 1 लीडिंग फायरमैन, 1 DCO, 1 स्वयं, सब ऑफिसर इस आग के पास अपना टेंडर, फायर टेंडर लेकर के जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये लोग अपना फायर टेंडर लेकर के आएंगे। ठीक, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद काम किसका क्या होगा, सब ऑफिसर का सबसे पहला काम क्या होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सब ऑफिसर के यहाँ के आने के बाद इसका ये काम रहेगा कि इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था इस पांचवें बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड रहता था, इससे पूछा जाएगा कि इसमें कितने लोग रहते थे, इसे ऊपर की बिल्डिंग 5वें 6वें 7वें माले में कितने लोग रहते थे, किस प्रकार की बिल्डिंग थी, इसमें क्या काम चलता था, इसके बारे में सबसे पहले ये ऐसे होम गार्ड बोले तो होम गार्ड से पूछेगा सब ऑफिसर। होम गार्ड से सब ऑफिसर पूछेगा कि इसमें कितने लोग रहते थे, किस प्रकार की बिल्डिंग थी और किस प्रकार ये घटना हुई। तो जो का त्यो ये जितना है इसके, ये तो इसका सिक्योरिटी गार्ड है तो इसको मालूम ही होगा, लगभग बता ही देगा। और यहाँ पे आने के बाद सब ऑफिसर आवासीय क्षेत्र 1, 2, 3, 4 जो चारों बिल्डिंग है आजू बाजू में, ठीक, तो इन लोगों से भी ये पूछताछ करेगा, पूरी इंक्वायरी करने के बाद कि कैसे आग लगी, कैसे नहीं लगी, कितने लोग रहते थे, क्या काम होता था, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद, कहने का मतलब कि अब हमें पांचवा ऑप्शन मिला था इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कहने का मतलब कि पूरी जांच करने के बाद, पूरी जांच करने के बाद कि हाँ इसमें ऐसे काम ऐसे, मतलब कि मान लो कि कोई इसमें ये आवासीय क्षेत्र था, 2 बेडरूम वाले इस मकान थे, इसे मतलब पूरे आजू बाजू और इसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पता करके तब यदि सब कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ इतने लोग रहते थे, उसके बाद हम अपना रेस्क्यू या फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 6 फायरमैन आएंगे, 1 लीडिंग फायरमैन आएगा और तीसरा आ जाएगा एक DCO जो पंप को चलाने का काम करेगा, पंप को चलाने का काम करेगा। ठीक, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि 6 फायरमैन, 1 DCO, 1 लीडिंग फायरमैन, ठीक, और 1 सब ऑफिसर जाएगा जहाँ पे आग के बारे में सबसे पहले पता करके कि कैसे लगी, क्यों लगी, कितने लोग रहते थे आजू बाजू के रहने वाले लोगों से, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उससे भी पूछ करके, ठीक, उसके बाद हम लोग फायर फाइटिंग स्टार्ट करेंगे। और फायर फाइटिंग करते समय हमारा ये काम है कि जो 6 फायरमैन है, जो 6 फायरमैन है, ठीक, जो 6 फायरमैन हैं उन लोगों को कम से कम फायर फाइटिंग, जैसे ये बिल्डिंग थी अपनी, इसमें आग लगी है, इसमें इसमें 5वें 6वें 7वें, तो फायर फाइटिंग करते समय, फायर फाइटिंग करते समय हमें कम से कम नुकसान होना चाहिए, ठीक, कम से कम नुकसान करके तथा रेस्क्यू कार्य भी इसके साथ साथ स्टार्ट करना है। यदि कुछ लोग इसमें यदि फंस गए हैं तो उनको बचाने का भी काम करना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों को मैंने सब ऑफिसर का कार्य बता दिया, जब 5-7 किलोमीटर के एरिया में एक ही यदि फायर स्टेशन है तो उसी को कंट्रोल रूम, वॉचरूम और कंट्रोल रूम उसी का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा कंट्रोल रूम में और वहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ से सब ऑफिसर अपने 6 फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, DCO के साथ और स्वयं वहाँ से अपना फायर का टेंडर लेकर के यहाँ आएगा। यहाँ पे आने के बाद तो इंस्पेक्शन करेगा, पूछताछ करने के बाद ही कोई काम किया जाएगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सब ऑफिसर के बारे में बता दिया। अभी इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा फायर स्टेशन ऑफिसर के बारे में बताऊंगा। ठीक, स्टेशन ऑफिसर, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।